हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरी एक नए ब्लॉग में। तो मैं सुबह सुबह का काम हो गया तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ रोटी। और मैंने पनीर का सब्ज़ी बनाया है वो है, तो मैं नाश्ता में रोटी और सब्ज़ी दे दूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं उस तरफ रोटी भी बना रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय भी बिठा दिया है। तो एक साथ में चाय और रोटी सब दे दूँगी मैं। और मैं हमने भी चाय अभी नहीं पिया है, सुबह का पहला ही चाय है। तो ये देखिए सब्ज़ी और रोटी मैं दे दूँगी, सब नाश्ता करेंगे और मैं भी चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का काम करेंगे। अभी बाकी है बहुत सारा काम, कपड़े धोना। तो यहाँ पर बैठ के हम सब मतलब ये सभी नाश्ता कर रहे हैं और मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं करूँगी बाद में। मुझे कपड़े धोना है तो मैं एक कप चाय पी लूँगी, उसके बाद ये मैं गई बाथरूम में और मैं कपड़ों को भिगो के आधा घंटा के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं धो लूँगी कपड़ों को। तो चलिए अब फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ मैं। मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ किचन में। चिकन को भून रही हूँ, इसके बाद गर्म पानी भी ठाया इसमें डालूंगी। इसमें मैंने पीसा है टमाटर की चटनी, तो बनाते फटाफट। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया, देर हो गया। तो मैंने सब्जी में पानी डाल दिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे लेके खीरा को। और यहाँ पे मैं इसे काट लूँगी और इसका सलाद बनाऊँगी, उसके बाद प्याज भी काटूँगी बाद में। यहाँ पे बैठ के मैं काट लेती हूँ पहले खीरा। उसके बाद दोपहर का खाना वाना होने के बाद, और ये थोड़ा सा पौधा मेरा पत्ता देखिए येलो हो गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसे पत्ते को काट दिया। उसके बाद मैंने इसमें मट्टी वट्टी भर के और इसे अच्छी तरह से रख दिया। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और आप सबको कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।